मैं नवीन कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा ये है कि निर्णय, डिसीजन एक किसी भी टॉपिक पर या किसी भी मुद्दे पे एक डिसीजन, निर्णय कैसे लिया जाए। बहुत सारे उसके जवाब हो सकते हैं, लेकिन एक सचोट निर्णय, एक डिसीजन लेने के लिए बहुत सी समस्याओं से निकलना पड़ता है, तब जाके आप एक निर्णय ले पाते हैं। ठीक है, तो हाउ टू टेक राइट डिसीजन, उसके लिए कुछ सुझाव और अपनी तरफ से कुछ दो तीन मुद्दे हम बताएंगे, जिसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे हम एक राइट डिसीजन ले सकते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया में आप फुल एक्टिव रहते हैं, और हम अगर एक चीज़ का सवाल पूछते हैं तो यूट्यूब हो, गूगल हो या अन्य कोई सोशल मीडिया, वहाँ से ढेरों सारे उस सवाल के जवाब मिलते हैं, और सबके कुछ ना कुछ पहलुए होते हैं जो अपने अपने हिसाब से डिसीजन में हाँ या ना का जवाब देते हैं। अब उनमें से कुछ एक अच्छा डिसीजन हमें निकालना है तो क्या किया जाए। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि कैसे एक हम सही डिसीजन ले सकें, एक निर्णय तक पहुंच सकें। तो हाउ टू टेक राइट डिसीजन जो हमें लेना है, वो कहां से, कैसे और किस तरह लिया जा सके, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा के पहले ये है कि अभी के जो मुद्दे चल रहे हैं, समझिए कि आप एग्जांपल दे देते हैं कि भारत और चाइना का जो एक मुठभेड़ हो रहा है, या फिर संसद में किसी चीज़ पर डिबेट हो रही है, या अन्य कोई में डिबेट हो रही है, एग्जांपल हम एक पहले से शुरुआत कर रहे हैं, और पहले से हमने डिसीजन मन में बना लिया है, और फिर बाद में हम एक डिसीजन सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या इसमें डिसीजन दें, तो आप कभी भी उस चीज़ के लिए सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे मन में पहले से हमने एक चीज़ सोच के रखी है कि ये सही है, इतना गलत है। पहले तो आप, हम अपने हिसाब से अगर आपको बताएं, तो सबसे पहले आप उस बारे में पूरी तरह जानकारी हासिल करिए। जब तक आपके पास पूरी जानकारी ना हो, तब तक आप किसी निर्णय पर ना पहुंचिए। उस चीज़ के बारे में जब तक पूरी जानकारी आपको मिल जा रही है, फिर आप एक किसी भी निर्णय में पहुंचिए, डिसीजन में पहुंचिए, और आपने जो सोच के रखा है उससे कंपेयर करिए कि हमने जो सोचा था और सारी चीज़ें जानने के बाद जो डिसीजन निकल के आ रहा है उसमें कितना अंतर है। तो कभी भी जो डिसीजन लेना है, जिसके बारे में लेना है, जिस भी मुद्दे पर डिसीजन ले, टॉपिक पर हमें डिसीजन या निर्णय लेना है, वो पहले से उसका आंसर हम माइंड में फिक्स ना करके उसके बारे में जाने, और फिर बाद में हम निर्णय पर पहुंचेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। जो भी निर्णय, समझिए दूसरे टॉपिक के बारे में कि हम दो व्यक्ति, दो इंसान लड़ रहे हैं, या समझ लीजिए कि आप किसी भी दो इंसानों की लड़ाई में आपको बुलाया गया है कि आप एक अच्छा सा डिसीजन लेके दीजिए। ठीक है, तो वो निर्णय दो व्यक्तियों के बीच में आपको निर्णय देना है, निष्पक्ष निर्णय देना है। तो आप एक इंसान के बारे में सुन के आप कभी भी निर्णय नहीं दे सकते। आप जिस इंसान को जान रहे हैं उसका देख के आप हमेशा निर्णय बोलेंगे नहीं आप सही है, सामने वाले की बात सुनेंगे दूसरे इंसान की, तब आपको लगेगा वो सही है, दूसरा गलत है। जब तक
दो इंसानों के बीच की लड़ाई की बात है या दो इंसानों के बीच की किसी भी चर्चा की बात है, तो दोनों के एक ही मुद्दे की लड़ाई हो रही है, तो आप दोनों के बारे में सुनिए, दोनों से उनके उनके बारे में टॉपिक के बारे में चर्चा समझिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं, और फिर बाद में अपना डिसीजन निष्पक्ष दोनों को सुनाइए, तो आप एक निष्पक्ष डिसीजन दे पा रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने किसी टॉपिक पर चर्चा की और वो चर्चा समझ में आई हमें, और हमें कोई सवाल पैदा हो गया, और उस सवाल के लिए हमने YouTube पर या Google पर सर्च कर लिया, अब ढेर सारे उसके अलग अलग आंसर निकल के आ रहे हैं। वो मेडिसिन से हो सकता है, मोटिवेशन से हो सकता है, या फिर आज के समय की समस्याओं के ऊपर हो सकता है। आप कुछ भी सवाल डालेंगे, उसके बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अपने अपने तरह से डिसीजन दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। उनमें से कॉमन आंसर, एक तरह का आंसर कितने लोगों ने दिया है, सबसे पहले तो आप वो जानेंगे। आपने समझे कि 10 लोगों का नाम आ रहे हैं, 10 में से एक ही तरह के डिसीजन कितने लोगों ने दिया है, तो आप उनका लिख लीजिए कि चलो 10 में से 8 लोगों ने दिया है इस तरह का डिसीजन। उस डिसीजन में और कितनी गहराई में जाके उन्होंने डिसीजन दी, सोच समझ के, और एक एक पहलू का हमें पन्ने खोल खोल के, एक एक पहलू पर जा जा के डिसीजन लिया, ये आप पता करिए। आप उसमें से एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे कि 10 में से 3 वीडियो ऐसे हैं कि जिनका डिसीजन हमें पसंद नहीं आया, दूसरी बात कि वो सही से आंसर नहीं दे पा रहे हैं या सही बता नहीं पा रहे हैं, तो 3 चले गए, बचे 7। 7 में से आपने एक आंसर तो फिक्स किया है कि ये डिसीजन सही दे रहे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जहां उन्हें नहीं चर्चा करनी चाहिए लेकिन वो चर्चा करवा रहे हैं, तो आप उनको हटा दीजिए। फाइनली 1 से 2 ऐसे टॉप आंसर होंगे जो आपके क्वेश्चन के ऊपर परफेक्ट सेट हो रहे होंगे, जो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से भी नहीं, और अगर वो किसी और के लिए भी हम अगर वो आंसर देना चाहें तो 100% सामने वाले भी बोलेंगे या कहेंगे कि नहीं, आपने जो कहा है वो 100% सही है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं कि जहां हमारा डिसीजन, हम कैसे डिसीजन ले, आज के टाइम में यंगस्टर हो या कोई भी हो, वो डिसीजन लेने से डरता है, और जो एक डिसीजन लेने में या निर्णय लेने में आनाकानी कर रहा है, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, तो याद रखिएगा वो हमेशा उस बात को टाल रहा है। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि तुरंत लेने होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि हम ऑफिसर से बताएंगे, जैसे कुछ अधिकारी या कुछ जिम्मेदार नागरिक होते हैं, व्यक्ति होते हैं, पद पर बैठे हैं, जिनके ऊपर भी ऊपरी अधिकारी होते हैं, तो उन्हें उनसे पूछ के आंसर देना होता है, तो वो क्या कहेंगे कि मैं अपने अधिकारी से बात करके आपके इसके बारे में डिसीजन दे पाएंगे, क्योंकि ये डिसीजन लेना हमारे हाथ में नहीं है। तो उस जगह पर वो तुरंत ना लेके 1-2 दिन का समय लेते हैं। आप संसद में भी देख लीजिए, जब कोई मंत्री, विभाग का मंत्री जब आता है, तो सत्र जब नहीं चल रहा होता है तब बहुत सारे सवाल आते हैं, और वो सवालों का जवाब कभी कभी मीडिया के सामने आके दे भी देते हैं, और कभी कभी बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जिनको वो लोकसभा या राज्यसभा में आके ही संसद भवन में जवाब देते हैं, जिससे ऑफिशियली वो रिकॉर्ड भी होता है, और लोकसभा या संसद में जब आके वो आंसर देते हैं, निर्णय डिसीजन करते हैं या कुछ बताते हैं, तो वो 100% सही है, यह रिकॉर्डिंग में भी होता है, पूरे देश की जनता को पता चलता है। तो निर्णय लेना बहुत जरूरी है, सही निर्णय लेना भी जरूरी है, वो निर्णय
वो डिसीजन हमारा गलत ना हो उसके लिए सोचना जरूरी है। और सोचने के बाद अगर सोच लिया है तो उसका पालन करना भी बहुत जरूरी है। तो आज का ये छोटा वीडियो हाउ टू टेक राइट डिसीजन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक में आप चर्चा करना चाहते हैं, एक वीडियो बनाना बना के हम आपको बताएं, वो आप हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।